रॉक ही रंधावा दिस साइड। तो सर यहाँ से वहां जाते हैं, यहाँ के जो मीडिया के रॉकस्टार्स हैं, सो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कैन वी शो सम एनर्जी लाइक थोड़ा सा इन द हाउस? आई बिलीव यहाँ का मीडिया बड़ा कमाल का होता है दिल्ली का। I love your साड़ी मैम, मतलब मेरे को लग रहा है अभी यहाँ पे आपको बुला के मुझे कहना चाहिए वर्ड झुमका वर्ड साड़ी। सो कमाल कर रहे हो आप लोग। And I believe we have some hardcore रणवीर आलिया fans in the house यार। बिना माइक के I can do this more than you यार। तो can we make some noise? अबे हल्ला मत चालो मेरे भाई लोगों। ये मीडिया के जो रॉकस्टार्स आए ना, ये लोग आपसे ज्यादा हल्ला कर रहे हैं। वेल, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ वेलकमिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ रॉकी और हानी। कल हम लोग वडोदरा में थे, वहां बड़ा मजा आया, कुछ बहुत सारी चीजें हुई। एंड आई एम यू नो इक्वली एक्साइटेड। या सच बताऊं तो दिल्ली के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। दिल्ली वालों की दिल्ली, अभी एक भाई साहब आए थे, उन्होंने दिखाया कितने बड़े दिल वाले हैं। वो साउंड चेक कराने आए, इज लाइक साउंड नहीं चल रही, मतलब फुल ऑन दादागिरी अभी से चल रही है। आई एम लविंग इट एंड आई कैन सी, एज आई सेड, आई कैन सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी हियर। द साड़ी वाइब्स। हाय मैम, व्हाट्स योर नेम? सविता जी, कहाँ से? क्या बात है, मुझे दिखाएंगे ना टीवी पे आज? प्लीज प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड फॉर ऑल दिस हैप्पीनेस। व्हाट वी विल डू इज बिफोर वी इनवाइट द टैलेंट ऑन स्टेज, वी विल क्विकली टेक अ लुक एट द ट्रेलर ऑफ दिस मूवी, है ना? और उसके बाद ये बातचीत चलती रहेगी। सो ऑल आईज ऑन द बिग स्क्रीन लेडीज एंड जेंटलमैन एज वी प्ले फॉर यू रॉकी और रानी की फिल्म कहानी। And now when you are in Delhi after Vadodara ka dhamaka last evening, what do you have to say? बहुत अच्छा लग रहा है, ब्रेड पकौड़ी की कसम। यहीं तो पैदा हुआ था, है ना? आलिया, for you, Delhi is always special, you know, दिलवालों की दिल्ली होती है। Of course, कल हमने वो हजारों स्टूडेंट्स ने जो लोगो बनाया था अपनी फिल्म का, टाइटल का, वो देखा। We want to put out the full proper version for the audience, but ये specially exclusively हमारे दिल्ली वालों के लिए है। Absolutely, that's just brand new. मेरी वीडियो लो, मेरी। कैमरे में कौन आ रहा है? वे कमलिया, इनका वीडियो लेके आप बुढ़ा दो। तो वे कमलिया आ रहा है सिर्फ दिल्ली वालों के लिए। ताड़ लो जितना ताड़ना है, देखने की चीज है, बड़ी मेहनत से बनाई है मैडम, नो स्टेरॉइड ऑल नेचुरल। बनती है तालियां यार, बनती है दोनों सुपरस्टार्स के लिए। एंड बातचीत तो बहुत सारी है जो होती रहेगी, विद योर काइंड परमिशन एंड ऑफ कोर्स विद योर काइंड परमिशन शैल वी डू द ऑनर्स। सो वे कमलिया कमिंग योर वे लेडीज एंड जेंटलमैन एक्सक्लूसिवली फॉर यू। वापस से रिक्वेस्ट करेंगे अपने फोन्स जो है ना उन्हें प्लीज। दिस इज समथिंग ब्यूटिफुल। एक एक यूनिट जो हमने इस फिल्म का देखा है is out of the world, be it your first look, your trailer, the first song, then wo party anthem jo aapne banwa diya hai, and now this song. What do you have to say about this? Like Arijit Singh ki awaaz aur aap dono jo emote kar rahe ho na usko, jo bhi yahan pe clips humne dekhe, please please let's talk about this song, we have to. Yeah, of course. अरे नहीं यार, अच्छा लग रहा है यार, रहने दे यार। पॉइंट, थैंक यू। पीछे भी है, पीछे जी, आई। एक्चुअली हम भी पहली बार ये यूनिट ऐसे देख रहे हैं, यू नो व्हेन वी सी थिंग्स वी सी वेरी रफली, और हम प्रमोशंस में इतना घुस गए हैं। तो सांग बाय द आउटस्टैंडिंग अरिजीत सिंह एंड द ब्यूटिफुल श्रेया घोषाल, और हम मतलब वी फील सो फॉर्चुनेट टू बी लिविंग इन अ टाइम वेयर आवर सॉन्ग्स कैन बी सांग बाय दीज स्टॉलवर्ट्स, सो वी फील रियली ब्लेस्ड। अभी मैं क्या बोलूं पता नहीं, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही था कि इस गाने की जर्नी की अगर बात करें, सो क्या आपके लिए कितना स्पेशल है, और हर गाना लोगों के दिलों तक चला गया है? अभी यहाँ सच बताओ वो आप में ना एक ऐसा नमी सी आ गई इसको देख, इट्स सो इमोशनल है, हम जैसों को एकदम ऐसा कर दिया। रॉकी, व्हाट डू यू हैव टू से? होता है यार, अरिजीत की आवाज सुन के मुझे भी होता है कुछ, तो
स्पेशल है उस स्पिरिट में, उस इंसान में. ही इज अ वेरी वेरी स्पेशल आर्टिस्ट, एज इज श्रेया घोषाल एंड प्रीतम दा. वी आर वेरी ब्लेस्ड एंड प्रिविलेज दैट वी हैव सच फाइन आर्टिस्ट कोलैबोरेटिंग विद अस ऑन दिस फिल्म. एंड करण जौहर्स मूवीज हैव ऑलवेज हैड अमेजिंग म्यूजिक, सच अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ हिज सिनेमा. मेरे मुझे ये टाइप के गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं, गाड़ी में रूहानी गाने, जैसे वो रूहानी गाना. अच्छा आपको अच्छे लगते हैं, आप गा के सुनाइए. अच्छा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. अच्छा गर्म पानी पिएंगी आप बाद में गए मेरे को लिरिक्स इतना मतलब आई एम स्टिल सिर्फ वीक कंप्लीट है हमारा स्क्रिप्ट ऑफ कोर्स दैट डजंट मूव बट उसमें हम बहुत मजे करते थे एंड वी टू जस्ट हैव फन नॉट टेक ourselves too seriously and just work really hard. I think the whole unit just puts their 150% on a daily basis. But wo jo energy thi set pe, wo hamesha light aur bahut like mazakiya tha. It was never serious at all. Even in the serious scenes, it was never serious. The thing is, this is probably, in Karan's own words, his most humorous film. So there's a generous amount of humor throughout the film, first half, second half. And because of that, the kind of vibe and energy on set, it was a very young crew, and Karan himself, you know, he's a born entertainer, he's full of beans, always cracking jokes. So it was a very zany, fun. I would wake up and look forward to going on set because it was just so much fun. And really, like I said before, it's like a bunch of friends coming together and working on a movie. It's important to have that vibration, that energy on the set, you know, that fun that you're having whilst making it invariably transfers onto the film. So we hope that you like it and we hope that you laugh a lot. Thank you. Hi, Ranj. I remember. याद आ गया है तो प्लीज हमारे लिए भी शेयर. ये दोनों से धर्मजीत मिमिक्री. नो ओके फर्स्ट बिफोर ही डज द मिमिक्री मैं बोल दूं कि हर दिन सेट पे रणवीर धर्मजी से वैसे धर्मजी के अंदाज में मिलते थे. सो नाउ आई एम धर्मजी, आई हैव कम ऑन टू सेट, कम एंड ग्रीट मी लाइक द वे यू यूज्ड टू ग्रीट धर्मजी इन धर्मजीज अंदाज. आई लव यू. क्या बोले हम करण जी के बारे में. He's, you know, he's like a walking, talking ball of love. He's all heart. He's so emotional. And I mean, he's got the biggest heart. And what, now that we're talking about it, now that it's come up in conversation, really the memories that we've created in making this film, I'll always cherish. What a great honor, what a great privilege, and what a wonderful thing to have collaborated with such fine artists. अच्छा मेरा अब क्वेश्चन ये है कि ये विकी डोनर की याद दिलाता है इन सम वेज, यू नो द बंगाली एंड द पंजाबी फैमिलीज कमिंग टुगेदर एंड द कॉन्फ्लिक्ट समवेयर समहाउ. सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट. एंड आलिया यू प्ले अ बंगाली कैरेक्टर इन दिस फिल्म, सो हाउ डिड यू प्रिपेयर, डिड यू लर्न बंगाली अपार्ट फ्रॉम फूड. आई लर्न माई लाइन्स, आई ऑलवेज डू दैट. जो मेरे पास लाइन्स आते हैं of course I had to do a little bit diction and stuff like that. We had a coach, but I think apart from the cultural things that you mentioned, there is no similarity. It's a very different space, very different film, and I think the beauty about our country is that we're so rich in culture that no matter what, you know, you'll always get that flavor when you represent opposing cultures, so to speak, a north and then, you know, Bengali. I think that combination is just fun to see because it's so rich and it's so colorful and there's so many dynamics that come to play. But I don't think there's any similarity otherwise. हाँ जी, ये बहुत ही चुलबुल, बहुत ही नटखट कैरेक्टर है रॉकी. उसको प्ले करने में बहुत मजा आया. ऑब्वियसली करण इज अ ग्रेट कोलैबोरेटर, सो ही अलाउज यू टू इम्प्रोवाइज अ लॉट. तो मेरे साथ युवराज दुआ थे, जो ही वॉज माई टच. Ha
और वो साड़ी कहाँ है? ठीक है फिर पूरे करेंगे ऐसे क्या? क्या बोलती है पब्लिक? Come on, give it up for him, ladies and gentlemen. सर आप सेल्फी बोल रहे थे, मोमेंट बन गया पूरा. भाई भगवान लग रहा है. कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम. कम्स रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ऑन July 28th. एंड नाउ वी लीव यू विद ए ब्यूटिफुल रेंडिशन ऑफ तुम क्या गट्स आलिया गट्स ऑन टोस्ट यू हैव प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम. वादा वादा एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं चलो हौसला अफजाई करो बेबी की. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. बेरंगे थे दिन बेरंगी शान आई है तुमसे रंगी ठीके थे लम्हे जीने में सारे आई है तुमसे नमकीनियां. बस मेरे नहीं यार, वाह यार, बेइरादा रास्तों की बन गए हो मंजिले. मुश्किलें हल है तुम्ही से या तुम्ही हो मुश्किलें. हाई स्पीड में वॉक शिफॉन की सारी फ्लाइट हमें मिस करने वाले हैं. बाय बाय. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू.